मैं इधर काम करता था वेल्डिंग का, मैंने पहले 8 साल मैंने वेल्डिंग का काम सीखा था, इसलिए सीखा था कि मैंने इधर अपना काम करना है, तो दोस्त की बातों में आके मैं उधर चला गया था। मुझे तवक्को थी कि एक तो उधर की नेशनलिटी मुझे मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, और दूसरा ये है कि मेरे हालात जो है ना पीछे वाले वो थोड़े से अच्छे हो जाएंगे, मेरे घर वाले या मैं थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे आ जाऊंगा। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता था, माको वाली बाड़ी या वो तुर्की और ईरान वाली जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, रास्ते में एक लड़का जो ऊपर से गिर गया था उसकी डेथ हो गई थी, वहीं पे मुझे ये एक टांग पे चोट आ गई थी। तो तुर्की में मैं 6 माह पढ़ा रहा हूँ, उधर जो है ना मैंने 4 ऑपरेशन करवाए थे, अकेला था, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त की थी, और जैसे कि एक मन में जो है ना उलझन होती थी कि मैं अकेला इधर क्यों हूँ। पहला नंबर तो ये था कि मेरे पास वहाँ की तालीम नहीं थी, तालीम तो पाकिस्तान की नहीं थी, उधर की तो लाजमी थी, मैंने रिपोर्ट होना था, मेरा केस जो है जितने भी थे वो ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए मैं वापस आ गया था, खुद मैंने फ़ैसला किया था। अगर मुझे पता होता कि वहाँ पर जाके ऐसे मुश्किल का सामना करना पड़ता है, या वहाँ पे जो इधर लोग बताते हैं वहाँ पे नहीं मिलता, जो मिलता है एक हाई लेवल पे या अच्छी तालीम पे मिलता है, तो मैं कभी भी नहीं जाता। मैं इधर अच्छी खासी जो है ना पहले तनख्वाह लेता था, अभी तो बेकार हो गए। अगर मुझे पता होता कि रास्ता इतना ख़तरनाक है तो मैं कभी भी ना सोचता। यादगार लम्हा वो ही था जब मैं लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचा, जब अपने भाइयों के साथ मिला हूँ, तो वो याद कर लंबा वो कभी भी नहीं भूलेगा। बहुत अच्छा महसूस किया मैंने, अपनी फैमिली के पास हूँ। उधर था तो उधर भी मजदूरी करता था, काम करता था तो खाना खाता था, इधर हूँ तो इधर भी काम करके खाना खाता हूँ, लेकिन सबसे अच्छी नेमत जो है ना मैं अपने भाई बहनों और माँ बाप के पास हूँ। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मैं डंकी लगा के जाऊँगा, मैं उसको बोलूँगा कभी ज़िंदगी में सोचे ना डंकी लगा के जाने का, अगर जाना है तो लीगल तरीके से वीज़े पे जाओ, डंकी पे मत जाओ।